आज है डेट 5 फरवरी, आज है सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, और मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। मैं मतलब नहा करके बस रेगुलर जो कपड़े पहनती हूँ वही पहना है मैंने, बस सब कुछ बनाएंगे। अभी मैंने चढ़ाया चाय, सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग सवेरे सबको उठ चुके हैं। बस माँ पापा, सॉरी पापा नहीं, माँ और भैया, और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दिया है। और बहुत बहुत काम करना है आज, बहुत काम करना है, क्योंकि प्रसादी के लिए भी बहुत कुछ बनाना है। हमारे यहाँ पुआ बनता है, आज माना जाता है हमारे यहाँ क्या कि पहली होली होती है हमारे यहाँ सरस्वती पूजा के दिन, तो आज पुआ भी बनाएंगे, हलवा बनाना है, खीर बनाना है, वो सब प्रसादी के लिए। और इधर बनाना है खाना, आलू गोभी की सब्जी वगैरह सब कुछ बनाएंगे और सब कुछ आपसे शेयर करेंगे। तो आज मैंने पहनी है ये रंग बिरंगी चिड़िया, मुझे रंग बिरंगी चिड़िया पहनना बहुत पसंद है, तो आज मैंने ये चिड़िया पहनी है। और आज मैं पहनूंगी साड़ी, तो पूरी लुक मैं आपको दिखाऊंगी। आज खाने में मैंने बनाया है मटर पनीर और आलू गोभी, मटर डाल के सब्जी, पुलाव, तड़का, ये सब बना है। किचन का काम खत्म हो चुका है सारा, सब कुछ बन चुका है उधर का खाना वगैरह, और अब बना रहे हैं प्रसादी। प्रसादी में मैं बना रही हूँ यहाँ पे हलवा सूजी का, और फिर बनाएंगे पुआ। यहाँ पे मैदा मंगा के रखा है मैंने, केला, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स है, तो फटाफट इसे मैं पुआ का बैटर अच्छे से मिला लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो सूजी लगभग भुना चुका है और थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा, तो इसे भूनकर और इसे बनाएंगे। और यहाँ पे घर की साफ़ सफाई भी चल रही है, बूढ़ी फुआ आ चुकी हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 8, और यहाँ पे मैं पुआ का बैटर बना रही हूँ। हर जगह सरस्वती पूजा बहुत अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, या घर में भी अलग अलग तरीके से बनाया, खाना पीना भी सब कुछ अलग अलग तरीके से होता होगा। हमारे यहाँ पुआ और हलवा और खीर बनता ही है चढ़ाने के लिए भी, और ऐसे भी सरस्वती पूजा में। पुआ में डालने के लिए केसर था नहीं, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ केसर और इलायची का सिरप, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। हलवा भी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसमें ब्रेड ड्राई फ्रूट्स मैंने पहले भी डाला है, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर से मैं डालूंगी ताकि टेस्ट और अच्छा आ जाए। शादी बिल्कुल रेडी है, तो अब इसे करेंगे कवर, और अब बनाएंगे इधर हम पुआ। तो मैंने सोचा था कि पुआ नॉनस्टिक वाले बर्तन में बनाऊंगी, क्योंकि उसमें चिपकता नहीं और स्टील वाले में चिपक जाता है, पर जल्दी जल्दी में जो जैसे मिला वैसे मैंने बना लिया। बर्तन खाली नहीं था नॉनस्टिक वाला, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में फटाफट बना लिया है। और अभी भी पंडित जी लोग आए नहीं है, टाइम हो गया है करीब अभी 10। तो यहाँ पे प्रसादी बिल्कुल रेडी हो गई है, ये देखिए, ये सबको बताएगा जब भगवान सरस्वती माँ को भोग लगने के बाद ये सबको बताएगा प्रसादी में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है मैंने। और यहाँ पे पुआ बन रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा पुआ बन चुका है, भी और थोड़ा और बनाना है। तो प्रसादी लेके सीधा जाएंगे जहाँ पे सरस्वती माँ का स्थापित किया है हम लोगों ने वहाँ पे, तो चलिए भोग लगाते हैं उन्हें। तो यहाँ पे फल काट रही हूँ मैं, और माँ दोनों मिलके काट रहे हैं, तो फल भी लगभग कट ही चुका है, बस थोड़ा बहुत और बचा हुआ है। यहाँ पे सारा सामान पूजा का रखा हुआ है, पूजा यहाँ स्टाफ रूम में, ये है प्लांट, प्लांट के स्टाफ रूम में हम लोगों ने सारा पूजा का सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये हो गई हूँ मैं रेडी पूरी तरीके से, सब कुछ हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेडिशनल आज पहना है, साड़ी पहना है, ट्रेडिशनल लुक मैंने आज दिया है, थोड़ा सा ये नेक पीस और थोड़ा सा हल्का फल्का मेकअप। तो कैसे लग रही हूँ मैं बताइएगा जरूर, आपको मैं पूरा लुक दिखाती हूँ। कैसी लगे मैं कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए पूजा दिखाते हैं कि हमारे बिहार और झारखंड में सरस्वती पूजा कैसी होती है और कैसे की जाती है, तो चलिए दिखाते हैं। तो बैठे हुए हैं तैयार होकर, और पंडित जी अभी तक नहीं आए हैं, और बारिश भी होने लगा है, अभी बज रहे हैं दोपहर की 2:30, बहुत लेट हो गए हैं। तो जब तक पंडित जी नहीं आते हैं तो बचा हुआ काम करते हैं। लाइटिंग का इशू है, लाइट अभी है नहीं, इन्वर्टर का लाइट जल रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जब तक पंडित जी नहीं आ रहे तब तक नेल पेंट लगा लेते हैं, एक काम तो हो। जब नेल पेंट लगा लो और तुरंत कोई काम आ जाता है करने को, बहुत बहुत गुस्सा आता है। नेल पेंट भी लग गई,
भूख बहुत जोर की लगी है अभी, बस दोपहर के 3 और पंडित जी का आना पता नहीं है, खाने का आ रह गया। बहुत बहुत लेट हो चुका है और हम लोग सब वेट कर रहे हैं जल्दी पूजा हो, और सभी लोग भूखे हैं घर में। माँ को भी डायबिटीज़ है, उनको मैंने दूध दे दिया है पर फिर भी भूख लग चुकी है, तो बहुत लेट हो चुका है पूजा में, पता नहीं कब आएंगे। यहाँ पे ईरा के लिए आया है न्यू कॉपी और पेंसिल, वो बहुत एक्साइटेड है न्यू कॉपी और पेंसिल देख करके। तो यहाँ पे सजावट वगैरह भी हो चुका है, तो अब करेंगे पूजा की तैयारी। और अब यहाँ पे सब कोई वेट कर रहे हैं कि कब आएंगे पंडित जी, तो जल्दी जल्दी पूजा होगी। और यहाँ पे पंडित जी आ चुके हैं, तो यहाँ पे इंतज़ार ख़त्म हुआ और चलिए पंडित जी आ चुके हैं। और अभी बज रहे हैं शाम के 4, इतना लेट हो गया है आज, तो चलिए पूजा करते हैं। यहाँ पूजा का फूल मैं तोड़ रही थी पुष्पांजलि के लिए, तो ईरा मेरा हेल्प कर रही है यहाँ पे। ईरा को ये सब काम करने में बहुत मज़ा आता है, मेरा कोई भी हेल्प करने में। और यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे वो सारे प्रसादी जो मैंने बनाया है और कट करके रखा हुआ है, तो अब लगाएंगे माँ को भोग। तो पूजा शुरू हो चुकी है, सभी लोग आ चुके हैं और यहाँ पे फैमिली के भी सभी लोग आ चुके हैं और स्टाफ लोग भी हैं जो हमारे प्लांट में या फिर घर में काम करते हैं। तो यहाँ पे सारे भोग को मैंने लगा दिया है और अब मैं लगा रही हूँ मैं यहाँ पे सरस्वती माँ को सिंदूर। पूजा हो रहा है अभी और सिंदूर लगाने के बाद मैंने कुछ मन्नत मांगा था पिछले साल, हमारे घर में 2 साल से सरस्वती पूजा हो रहा है, तो पूरा हो जाने पर के बाद मैंने चुनर उड़ाने का सोचा था, तो मैं वो यहाँ पे कर रही हूँ, मैं और माँ दोनों मिल के उड़ा रहे हैं। हो चुकी है और अभी पूजा हो रही है, उसी बीच में लग गई ईरा को भूख, तो मैंने उनके उसके लिए ईयर रोल करके पराठा ले लिया है, तो चलिए जहाँ पूजा हो रही है वहीं पर वो खा लेगी साइड होके, तो चलिए उसे खाना दे के आते हैं। देखो कब भूख लग जाए, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता, है तो बच्ची ही, तो चलिए उसे खाना देते हैं। और पूजा प्लांट में हो रहा है, हमारा पानी का प्लांट है तो वहीं पर हो रहा है पूजा, तो चलिए दिखाते हैं। और अब हो गई है शाम, शाम के बज रहे हैं 7 और यहाँ पे चल रही है भोग बनाने की तैयारी खिचड़ी की। जी हाँ, हमारे यहाँ शोरूम है और प्लांट है, तो शोरूम में विश्वकर्मा भगवान जी का मूर्ति बैठता है, तो वहाँ भी जब भी बैठता है तो खिचड़ी का भोग लगता है, और यहाँ पे सरस्वती माँ बैठती हैं तो यहाँ पे खिचड़ी का भी भोग लगता है, और जब भी बनाते हैं तो यही बनाते हैं, इन्हें बहुत अच्छा लगता है ये सब करना। तो यहाँ पे पनीर, बादाम, काजू वगैरह सब फ्राई होके रखा हुआ है और मूंग दाल की आज खिचड़ी बनेगी अरवा चावल की। भोग लगाने के लिए पहले सरस्वती माँ को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद सभी लोग वही उसी भोग को सब में मिक्स कर दिया जाएगा खिचड़ी में, उसके बाद सभी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शाम जला दिया है और आरती भी हो चुका है शाम का, तो यहाँ पे काम भी चल रहा है और खिचड़ी भी बनाया जा रहा है। और ईरा हो गई है यहाँ पे गुस्सा, क्योंकि आज उसके पापा उसको सामने बनाने नहीं लेके गए हैं, क्योंकि आज है वो थोड़ा बिजी खिचड़ी बनाने में। तो यहाँ पे चल रही है तैयारी और ये है सारे शोरूम के स्टाफ जो इनका हेल्प करने के लिए आए हैं। हो गया। तो खिचड़ी बनके अंदर आ चुका है, सभी लोग खा के बाहर के चले भी गए हैं, बस घर के लोग बचे हुए हैं। रात में हम लोग सारा खाना अंदर ही लेके आ जाते हैं, हर रोज़ का हम लोग का ये है, तो अभी सबको खाना खिलाएंगे। तो अब मेरे भाई की जॉब लग गई है तो काफ़ी खुश हूँ, और उसके लिए और मेरे देवर की भी जॉब लग गई, 2 लोगों की जॉब लगी है इस साल, तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। सरस्वती माता सुन ली है मेरी प्रार्थना, तो उम्मीद करती हूँ कि सबको ऐसे ही तरक्की करिए, उनकी कृपा सब पर बनी रहे और सबको ही हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।